हाँ जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट लगातार इंतजार कर रहे हैं आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और आंसर की का। तो एक बात आपके लिए जाननी बहुत यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उस बात पर गौर नहीं किया तो आप अपने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स नहीं देख पाएंगे, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और नहीं जान पाएंगे कि कितने नंबर आपके आए हैं। तो इस बात का जानना आपका बहुत जरूरी है। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑफिशियल नोटिस, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि इस बार साइकिल का जो एग्जाम था दिसंबर 2020 के लिए और जून 2021 के लिए, उसमें क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आपको बताई गई है, द एनटीए विल डिस्प्ले द क्वेश्चन पेपर एंड अटेम्प्टेड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स बाय द कैंडिडेट ऑन एनटीए वेबसाइट। ये यहाँ पर बता रखा है, प्रायर टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट से पहले आपके क्वेश्चन पेपर और अटेम्प्टेड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, यानी जिसको आपने टिक किया था क्वेश्चन को, वो भी आपको पता लगेगा, क्वेश्चन पेपर भी पता लगेंगे। और आंसर की खैर यहाँ पर नहीं बता रखा, पर आएगी वो भी साथ में। The question paper attempted and recorded response are likely to be displayed for 2 to 3 days only. हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या होता है ये अभी तक समझ में नहीं आया है, बट सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन ही आपको दिए जाएंगे कि आप उसे डाउनलोड करें, अपने पास में सेव करें, अपने मार्क्स को कैलकुलेट करें, साथ में चैलेंज भी करें। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा ध्यान नहीं दे अगर 2 3 दिन, तो हो सकता है कि उसका पूरा का पूरा जो अटेम्प्ट है वो खराब चला जाए, उसको पता ही नहीं लगे कि उसके क्वेश्चन पेपर आज के थे, क्योंकि एक ही बार मौका दिया जाएगा। तो खैर आपको चिंता की जरूरत नहीं है, आप चैनल के साथ में बने रहो, ए बी गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसे ही आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आएंगे, ये चैनल आपको नोटिफाई कर देगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए इस चैनल की वीडियो का। ये करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लगातार ये चैनल काम कर रहा है और इसी तरीके से आगे काम करता रहेगा। इस वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।